हेलो फ्रेंड्स, मैं आदित्य जैन और मैं CA CMA SFM का फैकल्टी हूं और मैं ये इन्फॉर्म करना चाहता हूं अपने स्टूडेंट्स को जो भी SFM की तैयारी कर रहे हैं कि मॉक टेस्ट पेपर नवंबर 22 एग्ज़ाम सीरीज़ वन और सीरीज़ टू के क्वेश्चन और सॉल्यूशन रिलीज़ हो चुके हैं। मेरा मानना है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको ऑलरेडी देख चुके होंगे। जो नहीं देखे हैं, मेरा रिक्वेस्ट है कि आप एक बार इसे ज़रूर देख लें। आपकी ऑलरेडी तैयारी हो चुकी होगी या चल रही होगी, आपकी रिवीजन बहुत अच्छे से हो रही होगी, आपकी जो तैयारी है उसको पहले कंप्लीट कर लीजिए और यह भी आप मॉक टेस्ट पेपर के जो सीरीज़ वन और सीरीज़ टू है वो देख लीजिएगा। नवंबर 22 एग्ज़ाम्स एंड ऑनवर्ड्स, अगर आपका आगे भी एग्ज़ाम्स है तब भी आपको ये मॉक टेस्ट पेपर का सीरीज़ देखना है। सिर्फ नवंबर 22 को ही नहीं, आगे के अटेम्प्ट वाले स्टूडेंट्स को भी देखना है। मैं आपके लिए मैंने आसान काम कर दिया है जो कि मेरे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं। मैंने क्या किया है, मैंने हर एक क्वेश्चंस जो हमारे सिमिलर क्वेश्चन जो हमारे बुक में हैं उसको मैंने आपको आइडेंटिफाई कर दिया है, जिससे आपको आसानी होगी। और खुशी की बात यह है कि जितनी भी क्वेश्चंस आपके नवंबर 22 के मॉक टेस्ट पेपर सीरीज़ वन और सीरीज़ टू में आए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस हमारे ऑलरेडी मटेरियल में कवर्ड है, लेकिन थोड़ा थोड़ा एक दो पॉइंट ऐड या लेस किया गया है, उसको आपको ज़रूर देखना चाहिए। तो मैंने आपको यहाँ पर अपने बुक का जो मेरे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैंने थोड़ा काम आसान कर दिया है। जो मेरे स्टूडेंट्स नहीं हैं वो उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट है कि वो इस सीरीज़ को देख लें, क्योंकि आपकी तैयारी अगर अच्छी हो रखी है तो इस सीरीज़ में आपको कोई भी क्वेश्चन में परेशानी नहीं आनी चाहिए। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन में परेशानी आती है तो आप मुझे रिक्वेस्ट करेंगे, मेल करिएगा, मैं आपको उसका वीडियो सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आपकी जो एग्ज़ाम है और आगे की जो प्रिपरेशन की जर्नी है वो बहुत स्मूथ रहे। तो ये सीरीज़ वन का है, आप इसका इमेज क्लिक कर लीजिए, इसका आप इमेज क्लिक कर लीजिए अपने कैमरा फ़ोन से, और ये भी आप इमेज क्लिक कर सकते हैं। सीरीज़ टू का ये है क्वेश्चन नंबर और मेरे बुक में जो क्वेश्चन नंबर है और चैप्टर नंबर भी मैंने यहाँ पे इंडिकेट कर दिया है। अगर किसी क्वेश्चन में आपको आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं डेफिनेटली उसका वीडियो सॉल्यूशन या आपको मैं हेल्प ज़रूर करूँगा अगर आपको कोई परेशानी आती है तो। मेरा मानना है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है, आपको बीच में डिस्टर्बेंस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको जो मैंने क्लास में पढ़ाया प्लीज़ आप वही करिएगा। देखिए, मॉक टेस्ट पेपर में भी सारे क्वेश्चंस मेरे बुक के ही हैं, तो बाद में ये पछतावा होता है, मैंने ये देख लिया, आपने वो देख लिया, इधर भी कर लिया उधर भी कर लिया, जो मेन करना था, जो आपने क्लास में मैंने आपको मटेरियल प्रोवाइड किया था, अगर उसको भी आप 3 से 4 बार कर लेते, मैं आपको अभी बताता हूँ कि आप 100% मार्क्स सिक्योर कर जाएंगे, प्रोवाइडेड आप थ्योरी भी अच्छे से कर रहे हैं। थ्योरी बुक भी आपको सेपरेटली दिया गया है, फॉर्मूला बुक भी आपको सेपरेटली दिया हुआ है, सब कुछ आपको दिया हुआ है। नहीं है तो आपको जो मैंने ग्रुप आपका बनाया है उस पर आप जाइए, उसमें सबका आपको PDF सॉफ्ट कॉपी नोट्स मिल जाएगा, उसका आप प्रिंटआउट निकाल सकते हैं। थ्योरी मस्ट करना है, मैंडेटरी है, 20-25 मार्क्स आपको थ्योरी आता है जो कि बुक में ही सारा कवर्ड है। ठीक है, तो आई होप पॉइंट इज़ वेरी मच क्लियर। आपने इतना टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपका समय बहुत महत्वपूर्ण है, मैं आपको अननेसेसरी डिस्टर्ब नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि ऑलरेडी सारी चीज़ें आपको क्लासेस में बता दी गई है, सब कुछ नोट्स में लिखवा दिया गया है, एक एक क्वेश्चन क्लास में बुक में कवर्ड है, आपको बस रिवाइज करना है, स्टिक टू योर नोट्स। मैं आपको बता रहा हूँ, आपका एग्जाम पेपर होने के बाद आप मुझे मैसेज करेंगे कि सर सारे क्वेश्चंस आपके बुक के थे, सारे क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट्स आपके कवर्ड है, सब कुछ कराया हुआ आया और रिजल्ट आएगा, तो आप ही होंगे जो मुझे बताएंगे कि सर मेरा 80 मार्क्स आया, मेरा 85 आया, 90-95 आया, सर मेरा 99 मार्क्स आया, सर मेरा 100 out of 100 मार्क्स आया। तो मैं इंतजार करूंगा आपके एग्जाम का, आपके रिजल्ट का, आपके प्रिपरेशन स्टेज में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे मेल करें, मुझसे कांटेक्ट करें, मैं आपके जो भी परेशानी अगर आपको फेस आप कर रहे हैं तो उसको मैं सॉल्व करूंगा। मैंने हर चीज़ का रिविजनरी लेक्चर दिया है, हर एक चीज़ का मैंने आपको ग्रुप में एवरीथिंग आई पोस्टेड, जस्ट यू नीड टू रिवाइज, रिवाइज, रिवाइज एंड रिवाइज, बिकॉज यही एक मंत्र है अंत के समय में, जब आपका एग्जाम बिल्कुल नियर है, आप जितना अच्छा रिवीजन कर लेंगे आप उतना ही अच्छा मार्क्स सिक्योर कर जाएंगे। तो फ्रेंड्स, एग्जाम रिलेटेड ये वीडियो था, आगे तो अर्निंग करनी है, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आपको और पाना है,
पहले आप लर्निंग अच्छे से कर लीजिए, मार्क्स अच्छे से सिक्योर कर लीजिए, फिर तो आपको बड़ी बड़ी कंपनी आपका इंतजार कर रही है आपको रिक्रूट करने के लिए, जहां आपको लाखों करोड़ों का पैकेज लगेगा, जहां आप अपना ही नहीं अपने पेरेंट्स और अपने टीचर का भी नाम रोशन करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी वेरी मच। मॉक टेस्ट पेपर नवंबर 22 का ये वीडियो था, जिसके लिए मैंने आपको यहाँ पे सारे क्वेश्चंस आइडेंटिफाई कर दिए हैं। एक बार आपको ओवरव्यू करना है, मैं ऐसा करूँगा क्वेश्चन सॉल्यूशन सीरीज का जो पीडीएफ फॉर्म है उसको भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिससे आपको कोई परेशानी ना हो और डायरेक्ट आप वहाँ पर क्लिक करके आप अपने ये मॉक टेस्ट पेपर का सीरीज डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। 10-12 क्वेश्चन है, उसको आपको देखना मस्ट है, अनिवार्य है, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल और इंक्रीज हो जाए, आपको यह एहसास हो जाए कि सारा कुछ कवर्ड है, कोई भी चीज़ बाहर से आने वाला नहीं है। आपके नोट्स, आपकी रिविजन स्ट्रेटेजी अब ये बताएगी कि आप आगे कितना मार्क्स सिक्योर करना वाले हैं, कितना मार्क्स आपको मिलने वाला है। अब सब कुछ आपके हाथ में है फ्रेंड्स, बी पॉजिटिव। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर कुछ इंपॉर्टेंट कोई इन्फॉर्मेशन या नोटिफिकेशन आता है तो मैं डेफिनेटली इस चैनल में आपको पोस्ट कर दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बी पॉजिटिव। याद रखिएगा, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, वक्त का तकाजा है, लहरों से जूझना सीखो। कब तक चलोगे किनारे किनारे, सागर को चीरना सीखो। अब आप सीए बनने ही वाले हैं, अब आपको मुकाम हासिल होने ही वाला है, हिम्मत हारने से कोई फायदा नहीं है, अब तो आपको आगे बढ़ना है, जिंदगी में नए मुकाम हासिल करना है, पीछे मुड़कर देखने का कोई सवाल नहीं है, थक कर बैठने का कोई सवाल नहीं है, हार मानने का कोई सवाल नहीं है, अब तो जीत पक्की है, जीत मिलेगी और जीत लेकर रहेंगे। थैंक यू सो मच।